लोकसभा चुनाव 2024 दिन प्रतिदिन घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। मतदान का समय नज़दीक आ रहा है। लोकसभा चुनाव फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मैदान में है। बूथ कैंपेनिंग से लेकर यूथ को खड़ा किया गया है, कहीं कोई वोटर रह ना जाए इसके लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस रणनीति से इस चुनाव को लड़ रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी की कोई रणनीति नहीं होती। रणनीति जो भी रहती है वो पार्टी की रहती है, और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों में पार्टी का संगठन का काम नहीं करती। लगातार 5 वर्ष तक आप देखते हैं कि कार्यक्रम भी होते रहते हैं, संगठन तैयार होता रहता है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हर बूथ पे हमारा अध्यक्ष है, बूथ का अध्यक्ष। आप देख रहे हैं कि हमारे आज 98% बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, और जो 2% नहीं भी आए वो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। तो ये इतना बड़ा संगठन है, तो रणनीति तो पार्टी तय करती है। हमारे बूथ सम्मेलन भी चल रहे हैं, कार्यालय भी हमारे सब खुल गए हैं, केंद्रीय कार्यालय भी खुल गया, 5ों विधानसभाओं के कार्यालय भी खुल गए हैं, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन भी पूरे कम्प्लीट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी सभाएँ भी चल रही हैं, बड़े बड़े रोड शो भी हुए हैं। तो और अब तक कम से कम सैकड़ों गांवों में जाना हुआ है, लगातार हजारों लोग सड़कों पर आए हैं स्वागत के लिए। ये मोदी जी का स्वागत है, योगी जी का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है, कमल के निशान का स्वागत है, और राजकुमार के प्रति अपना प्यार है जो उसका जनता का सेवक है सांसद के नाते। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का ये वातावरण दिखाई दे रहा है, एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेगी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की अगर हम बात करें तो एक ज़माना वो था कि अकबर इस क्षेत्र को पानी के लेके भाग गया था, और इस पानी को गंगाजल प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं कि 4.5 करोड़ मोदी जी ने दिया है, तो क्या ये एक प्रमुख मुद्दा यहाँ हो सकता? 4000 करोड़, क्या ये बड़ा मुद्दा है? देखिए, मुद्दा ये है कि मुगल काल से लेके अब तक फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता, या कहें तो आगरा जिला की जनता गाँव की, उनको कभी पानी का, पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिला। प्रदूषित, दूषित, आपका फ्लोराइडयुक्त खारा पानी। तो उसके निराकरण के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने 65 साल में कोई प्रयास नहीं किया, अंग्रेजों के समय पे भी नहीं हुआ। मुगल काल में अकबर फतेहपुर सीकरी की राजधानी छोड़ के चले गए पानी की वजह से। तो 2019 में जल जीवन मिशन आया, माननीय मोदी जी जल जीवन मिशन लेके आए देश के पानी के समस्या के निराकरण के लिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अवसर मिल गया, जल जीवन मिशन आया, तो ये मुद्दा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे रखा कि साहब पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या है। तो प्रधानमंत्री जी ने देर नहीं की, मोदी जी ने, और जल जीवन मिशन में हमें एक बड़ी योजना दे दी गंगा जल लाने की। तो अब हर घर में नल, और हर घर से नल में सबके घर पहुँचेगा गंगा जल। काम शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डल रही हैं, बड़े बड़े CWR बन रहे हैं जिन्हें स्वच्छ जल जलाशय बोलते हैं अगर हिंदी में कहें तो। ऐसे 17 हैं पूरे जिले के अंदर। एटा की गंग नहर से ये पानी आ रहा है, गंगा जल आ रहा है। तो ये 2024 के अंत तक हर घर में टोटी लग जाएगी नल की, और हर टोटी से गंगा जल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पानी की समस्या का हुआ स्थायी हल, और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी मोदी जी ने दे दिया है, योगी जी ने उसमें प्रयास किया। भारत में अकेला आया अमेरिका का इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, उसकी एक शाखा भारत आई, वो हमारे यहाँ सिंगना में उसके लिए जगह प्रस्तावित हो गई है। 128 करोड़ की लागत से वो बनेगा। पॉलीटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का रोहता में बन के तैयार हो गया, ITI खुल गए हैं, राजकीय महाविद्यालय खुल गए हैं। 700 करोड़ से अधिक की हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें चौड़ीकरण हुआ है। 6 लेन हमारा ग्वालियर रोड भी बन रहा है, उत्तरी बाईपास भी बन रहा है, दक्षिणी बाईपास पर भी निर्माण काम चल रहा है। ग्वालियर रोड को इनर रिंग रोड को भी जोड़ा जा रहा है। अनेक ट्रेनें रुकने के ठहराव के कार्यक्रम ठहराव भी हुए हैं ट्रेनों के। अनेक स्टेशन हमारे अमृत योजना में एक कायाकल्प स्टेशनों की हो रही है। किसान भवन भी आगरा के अंदर बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक विकास की जो गंगा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में बह रही है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर विकास के लिए हमारे लिए काम दे रहे हैं, और उन्होंने आने वाले समय के लिए भी कहा है कि जो भी विकास के प्रस्ताव सांसद राजकुमार चाहर या उनके विधायक सब लोग देंगे वो सब किया जाएगा। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये एक दौर है, विकास का दौर है जो मोदी जी ने किया है। पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत पूरी दुनिया में जो आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। चुनाव में जाने का भी कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, पिछले साल का आप रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन होता हूँ साहब?
रिकॉर्ड तो जनता तोड़ती है क्योंकि वोट जनता देती है। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, नाम मात्र का छोटा सा सामान्य सा प्रत्याशी। कमल का निशान मुझे दिया गया है। एक प्रत्याशी एक प्रतीक होता है और हर पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाती है। तो जनता ये तय करती है कि भाई उसका वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना है या किसी अन्य दल को देना है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का वातावरण है आम जनमानस में, कि पिछली बार का रिकॉर्ड 4,95,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत के गई थी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में। और वोट जो शेयर था वो उत्तर प्रदेश में नंबर वन पे था, 64 पॉइंट समथिंग। तो इस बार मुझे जो लगता है कि 70% वोट शेयर होगा और जीत का आंकड़ा 6 लाख से ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चार बता रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर से जीत इस बार होने वाली है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।